गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो इन्होंने अपना समर्थन अपना सहयोग मुझे दिया। ये मेरी नहीं सभी लोगों की जीत है। मैं मंडी पार्लियामेंट्री हलके के और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वहाँ पर काम करने आए हैं, इन्होंने दिन रात कार्य किया है। सभी की दुआओं से और सभी की काम से हम इसमें सफल हो पाए हैं, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। क्या माना जाए मैम, ये 2022 का आगाज है, चुनावों को लेकर जिस तरीके से जोश दिख रहा है। अब वो तो है ही है, आप देखिए देख ही रहे हैं, 4-0 हुआ है, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी हमें लगता है कि हम अवश्य विजय हासिल करेंगे। इस जश्न में राजा साहब की कमी कितनी खल रही है? वो तो है ही है। उनके बगैर हमें लगता था कि हम कैसे कदम आके रखें, पर लोगों का प्यार लोगों का स्नेह जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी वजह से हमें थोड़ा हौसला भी मिला और हमने आगे कदम बढ़ाया। हमारा परिवार है और मैं इनके परिवार का सदस्य हूं, शिमला ग्रामीण का विधायक भी हूं, यहां का बेटा भी हूं, यहां का भाई भी हूं। तो स्वाभाविक है जब खुशी का माहौल है तो खुशी जग जाहिर करने हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए आज यहां पे जो है खुशी का माहौल है। पिछले कल रोड़ू का भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था और आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से हमारे सभी साथी आए हैं। सब में जोश है और सब वचनबद्ध है कि हमने अगले जो 2022 के चुनाव हैं उसमें डट जाना है, मजबूती के साथ कार्य करना है, धरातल पे कार्य करना है और जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य खास रूप से शिमला ग्रामीण में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं उनको भी आगे लेकर जाना है। और जो अब एक नई जिम्मेवारी हमारे परिवार के ऊपर आई है मंडी संसदीय क्षेत्र की, जिसमें 17 विधानसभा हलके हैं, वहाँ की जिम्मेवारी भी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पर है, हमारे परिवार के ऊपर है, उसका निर्वहन भी हमने मजबूती के साथ करना है। और जो राजा वीरभद्र सिंह जी का नारा हमेशा रहा, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उस नारे को आगे लेकर जाना है, सबके साथ सबके विश्वास सबके प्यार के साथ आगे बढ़ना है और जो कमियाँ पीछे रही है उनको दुरुस्त करते हुए हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है। सरकार से भी मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा, अब चुनाव खत्म हो गए हैं और हमें जो है प्रतिष्ठा का सवाल इन चुनावों को नहीं बनाना चाहिए। चुनाव होते हैं, लोकतंत्र का एक प्रणाली है, अगर चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद सबको मिलकर प्रदेश का विकास करने में जुट जाना चाहिए। मेरा सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि उनका पूर्ण सहयोग मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को मिलना चाहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति से हिमाचल प्रदेश का एक तिहाई हिस्सा है और 16 लाख लोग इस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ के सहयोग के लिए केंद्र सरकार की भी और प्रदेश सरकार का भी पूरा सहयोग उनको चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी मुझे सरकार का सहयोग चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि मिलकर हम आगे बढ़ें
और जब आगे चुनाव होंगे, चुनाव के समय में रणनीति बनाएंगे, चुनाव जीतेंगे, मगर जब तक चुनाव नहीं है तब तक हमको मिलकर सब लोगों को हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, अपने क्षेत्रों को आगे ले जाने के लिए हमको आगे बढ़ना है और मिलकर हिमाचल प्रदेश का विकास करवाना है। आज इसीलिए यहाँ पे सब आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और आप टीवी आपके चैनल के माध्यम से भी सभी प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों का, जिन्होंने वोट दिया उनका तो विकास करेंगे ही, मगर जिन्होंने किन्हीं कारणवश हमको नहीं भी वोट दिया मंडी संसदीय क्षेत्र में, उनके साथ भी पूरी निष्ठा के साथ उनकी आवाज़ को